नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PLCRDHM एजुकेशन के अंदर। साथियों, आज के शुरू में आपके लिए काफ़ी लंबे समय बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो नंबर 78 लेके आया हूँ, जो कि पशुधन सहायक के वेटनरी गायनोकोलॉजी सब्जेक्ट से लिया गया है। काफ़ी लंबे समय बाद आपके वीडियो आए हैं साथियों, आपका लगभग जो आपका सिलेबस था वो कम्प्लीट होने को है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा लें, जैसे कि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भेड़ की कृत्रिम योनि के सिलेंडर की लंबाई होती है। तो भेड़ के कृत्रिम योनि के जो सिलेंडर होता है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरे की कृत्रिम योनि के सिलेंडर की लंबाई होती है। तो बकरे की कृत्रिम योनि के जो सिलेंडर की लंबाई होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है, और इससे पहले जो क्वेश्चन था उसके अंदर 20 सेंटीमीटर लंबाई होती है भेड़ के कृत्रिम योनि के सिलेंडर की, और बकरे की कृत्रिम योनि के सिलेंडर की 15 सेंटीमीटर। घोड़े की कृत्रिम योनि की लंबाई होती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, घोड़े की कृत्रिम योनि की लंबाई 91.5 से 122 सेंटीमीटर होती है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन आंसर होगा। दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट फील होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें, आपका उसका डाउट का समाधान जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांड के वीर्य को कितने तापक्रम पर भंडारित करते हैं। सांड के वीर्य को हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर भंडारित करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनुकरण की दर घोड़े के वीर्य में क्या होती है। तनुकरण यानी डायलेशन की जो दर होती है घोड़े के वीर्यों में 1:2 की होती है, तो इसके अंदर डी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअर के वीर्य की डायलेशन दर रेट क्या होती है। तो यह 1:4 के अंदर होती है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढे के वीर्य की डायलेशन दर यह 1:9 होती है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, सांड के वीर्य की डायलेशन दर, सांड के वीर्य की डायलेशन दर 1:105 होती है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मादा जो कभी गर्भित नहीं हुई, एक बार भी नहीं ब्याई, उसे कहते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वह मादा जो कभी गर्भित नहीं हुई, एक बार भी नहीं ब्याई, उस मादा को हम नूलिपरा कहते हैं, तो इसके अंदर सी ऑप्शन आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतिया में ओविलेशन होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कुतिया के अंदर ओविलेशन जो टाइम होता है वो 24 से 48 आवर्स मध के आने के बाद होता है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन होगा। और उसके अतिरिक्त कैटल गाय के अंदर जो ओविलेशन होता है वो 12 से 14 आवर्स मध के अंत के बाद होता है, 12 से 14 आवर्स मध के अंत के बाद। और इसके अतिरिक्त जो मेरी घोड़ी होती है उसके अंदर ओवुलेशन 1 से 2 दिन मध के अंत से पहले होता है, और भेड़ के अंदर जो ओवुलेशन होता है वो स्ट्रस के अंत की ओर इशारा करता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और नेक्स्ट है, गाय सांड की संभोग्य उम्र, सेक्सुअल मैच्योरी उम्र होती है, तो गाय सांड के संभोग की जो सेक्सुअल मैच्योरी उम्र होती है वो 3 से 1/2 वर्ष की होती है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसा सांड की सेक्सुअल मैच्योरिटी उम्र है, तो यह 2 से 1/2 वर्ष है, और बकरी का मध्यकाल होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बकरी का मध्यकाल 24 से 48 आवर्स होता है, और इसके अतिरिक्त काऊ का जो मध्यकाल होता है वो 18 आवर्स होता है, और बैफेलो का 20 आवर्स का होता है, घोड़ी का 6 दिन का होता है, और भेड़ का 1 से 2 दिन का होता है, और सुअरी का 2 से 4 दिन का होता है, और कुतिया का 9 दिन का होता है। तो ये मध्यकाल से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्ट्रोजन को फोलिकल में कौन स्रावित करता है। इस्ट्रोजन को फोलिकल के अंदर जो स्रावित करता है वो ठीक का इंटेरिमा है,
सी ऑप्शन इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सांड की कृत्रिम योनि के इनर स्लेव की मोटाई होनी चाहिए, सांड के कृत्रिम योनि के इनर स्लेव की जो मोटाई है वो 7 से 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांड की कृत्रिम योनि की क्लोटिंग ट्यूब की लंबाई होती है, सांड के कृत्रिम योनि की क्लोटिंग ट्यूब की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, बी ऑप्शन आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सांड के कृत्रिम योनि की क्लोटिंग ट्यूब की क्षमता होती है, तो सांड की कृत्रिम योनि की जो क्लोटिंग ट्यूब है उसकी क्षमता 10 ml की होती है, सी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्शन एपिडिसिन वेट का सक्रिय पदार्थ है, इंजेक्शन एपिडोसिन वेट का जो सक्रिय पदार्थ है वो वेट इथामेटा है, इसके अंदर सी ऑप्शन आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस में साधारणतः कठिन प्रसव का कारण है, भैंस में साधारणतः डिस्टोकिया का जो कारण है वो यूटेराइन टॉर्शन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यूटेराइन टॉर्शन भैंस में साधारणतः कठिन प्रसव यानी डिस्टोकिया का मुख्य कारण होता है, और यूटेराइन टॉर्शन का मतलब होता है गर्भाशय का अपनी जगह पर घूमना, गर्भाशय मेसेड यूटेराइन टॉर्शन कहलाता है, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भपात को रोकता है, गर्भपात को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रोकता है, बी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम कुर्तज रिपेलर क्या काम आता है, विलियम कुर्तज रिपेयर है वो धकेलने के काम आता है डिस्टोकिया के अंदर, यानी कि कठिन प्रसव होता है उसके अंदर नवजात जो बच्चा होता है शिशु होता है उसको धकेलने के काम आता है, ए ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यहीनता में कौन सी आयुर्वेदिक दवा काम में ली जाती है, मध्यहीनता के अंदर जो दवा काम में ली जाती है आयुर्वेदिक दवा वो प्रासना और जनोवा और सजानी, ये सभी आयुर्वेदिक दवाएं मध्यहीनता में काम आती है, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी NDRI करनाल से कौन सा डिलेंट बनाया है, तो सबसे पहले बात करते हैं NDRI का क्या है, NDRI का मतलब है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है, तो NDRI करनाल के द्वारा डाइलेंट जो बनाया गया है वो काऊ का डाइलेंट बनाया गया है, डी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, काऊ डाइलेंट की सहायता से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितने दिन स्पर्म भंडारित किया जा सकता है, तो यह 5 दिन के लिए स्पर्म भंडारित किया जा सकता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, डी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरे रंग का सीमन क्या दर्शाता है, भूरे रंग का जो सीमन है वो डेगनेटिव ब्लड टिश्यू को दर्शाता है, डी ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले रंग का सीमन क्या दर्शाता है, पीले रंग का सीमन पस एंड सेल्स को दर्शाता है, ए ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी रंग का सीमन क्या दर्शाता है, गुलाबी रंग का सीमन फ्रेश ब्लड को दर्शाता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, वर्षण की पोषक कोशिकाएं हैं, वर्षण की पोषक कोशिकाएं सर्टोली कोशिकाएं, काफ़ी अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सांड में कौन सा वर्षण बड़ा होता है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सांड के अंदर दायां वर्षण हमेशा बड़ा होता है, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, एपिडेडिमिस का कार्य, एपिडेडिमिस का जो कार्य है वो स्पर्म का भंडारण, स्पर्म को परिपक्व करना और स्पर्म को पोषण प्रदान करना, सभी कार्य एपिडेडिमिस के हैं, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेथ्रा से क्या क्या गुजरता है, यूरेथ्रा से स्पर्म सहायक ग्रंथियों का स्राव और पेशाब सभी गुजरता है, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षण में स्पर्म के संग्रहण नलिका के जाल को कहते हैं, वर्षण में स्पर्म के संग्रहण नलिका के जाल को हम रेट टेस्टिस कहते हैं,
सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले। नेक्स्ट है LN2 जार के गर्दन का तापमान होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। LN2 जार के गर्दन का तापमान 149.83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अपरा की कौन सी परत एंडोमेट्रियम से जुड़ी होती है, अपरा की कोरियोन जो परत होती है वो एंडोमेट्रियम परत से जुड़ी होती है, ए ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है LN2 जार में स्ट्रॉ रखी जाती है, LN2 जार के अंदर स्ट्रा गोबल्ट के अंदर रखी जाती है, गोबलेट के अंदर LN2 जार में स्ट्रा रखी जाती है, तो यह गोबलेट के अंदर रखी जाती है, ए ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थिगेशन फिटोटोमी उपकरण कष्ट प्रसव में क्या काम करता है, तो थिगेशन जो फिटोटोमी है वो कष्ट प्रसव के अंदर बच्चे को काटने का कार्य करती है, बी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में पिछले दोनों पैरों के बच्चे के शरीर के नीचे रहने को कहते हैं, पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में पिछले दोनों पैरों के बीच के शरीर के नीचे रहने को जो हम कहते हैं उसे हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, सी ऑप्शन इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती गाय के गर्भाशय को लंब अक्ष पर घूमने को कहते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गर्भवती गाय के गर्भाशय को लंब अक्ष पर घूमने को हम यूटेरन टॉर्सन कहते हैं, बी ऑप्शन आंसर होगा। तो दोस्तों यह थे आज के वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।